स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का यह टेस्ट पेपर मैंने एसएससी, एमटीएस, डीईओ इत्यादि परीक्षाओं के लिए तैयार किया है। इन्हीं परीक्षाओं से संबंधित पिछले टेस्ट पेपर से इन सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आपसे ये प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें। स्टूडेंट्स, हाल ही में मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है rangaclasses.com। इस चैनल पर भी आपको नए नए और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल के साथ साथ rangaclasses.com चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट भी अवश्य करें। स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ समूह में कितने घन हैं? हाउ मैनी क्यूब्स आर हेयर इन द ग्रुप्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस रो में चार क्यूब हैं, और ऐसे हम देखते हैं तो भी चार क्यूब हैं। इसका मतलब ये वो क्यूब है जो चार का क्यूब होता है, यानी चार गुना चार गुना चार, यानी चार की पावर तीन, फोर की पावर थ्री, जो टोटल बनते हैं कितने, चार चौक सोलह, चौक चौंसठ, तो टोटल बनते हैं चौंसठ। और उस ग्रुप को, चौंसठ के ग्रुप को तोड़ा गया है, यानी चौंसठ के घन के जो छोटे घन हैं उनको हटाया गया है, और इस तरह से ये एक घन का ग्रुप, क्यूब्स का ग्रुप जो है वो तैयार किया है। तो देखिए, यहां हमें काउंटिंग करनी है कि इस लाइन में जो सबसे ऊंची लाइन है, इसके अंदर चार क्यूब हैं। तो देखिए, चार काउंटिंग करते हैं हम, चार क्यूब हैं, ये देखिए एक दो तीन चार, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। और इसमें देखिए, इसमें तीन है, एक दो तीन, चार और तीन सात, आठ नौ और दस। देखिए, हमने इस लाइन को पूरी को काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए, इसमें तीन है, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, इसमें दो है और सोलह, देखिए इसमें दो है, सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। तो देखिए, इस पूरे ग्रुप में यहां हमें बीस क्यूब, समाल क्यूब जो है प्राप्त होते हैं, छोटे घन हमें प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन में क्लियर है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और तीन के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, ये नीचे देखिए, तीन डाइस दिए गए हैं, एक डाइस के छह फेस होते हैं, तीन तीन एक बार में हमें दिखाई देते हैं। देखिए, तीन दिए गए हैं, कहता है स्टडी द फॉलोइंग थ्री क्यूब्स एंड फाइंड द नंबर फेसेस थ्री, और वी कैन से अपोजिट थ्री, और वी कैन से इन फ्रंट ऑफ थ्री। यानी यहां कहता है तीन के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, या ये भी पूछ सकता है अगर तीन ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, ये भी पूछ सकता है तीन के अपोजिट क्या है। तो स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हम यहां देखते हैं, यहां तीन दिया है, यहां एक दिया है, यहां दो दिया है, लेकिन अगले में जाकर देखते हैं तो एक भी नंबर पिछले वाले नंबर से मैच नहीं करता। तो ये क्यूब हमारी, ये डाइस हमारी कोई मदद नहीं करेगा, ध्यान रखें, ये घन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसका नंबर कोई भी नहीं मिलता। आगे जाके देखते हैं, दो एक, देखिए दो एक, और इसमें भी दो एक है, इसमें हमें पूरा हिंट मिलेगा। और ये देखिए, ये दो ऊपर गया हुआ है, ये देखिए, लेकिन एक वहीं पर है। अगर एक वहीं पर है, दो ऊपर गया है, तो इट मीन्स इसको इस तरह से घुमाया गया है। देखिए, जैसे इस दो, इसको ऐसे घुमाया गया, देखिए दो यहां चला गया और तीन कहां गया, इधर गया, ये देखिए तीन इधर चला गया। स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, और दो ऊपर
यहां पर पहुंच गया और जो नीचे जो था वो यहां आ गया। वो देखिए क्या है, पांच। इसका मतलब पांच कहां था, पांच यहां था। जैसे इसको घुमाया तो दो ऊपर पहुंच गया, तीन पीछे पहुंच गया, ये देखिए, और पांच इधर आ गया, ये देखिए, क्लियर है। तो तीन जो है वो पांच को फेस किए है और पांच तीन को फेस किए है। तो देखिए यहां पर कहता है तीन के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, तो तीन के सामने वाली पांच जो हमें ऑप्शन सी में हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, देखिए निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और दो के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, यानी दो के सामने, दो के अपोजिट, या दो ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। तीन तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे तीन डाइस दिए गए हैं, उन पे डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां कहता है दो के सामने क्या होगा। स्टडी द फॉलोइंग थ्री क्यूब्स एंड फाइंड द नंबर फेसिस टू, और वी कैन से अपोजिट टू और इन फ्रंट ऑफ टू। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 6 3 2, आगे भी 3 6 5, यानी दो अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां हमें हिंट पूरा मिलेगा। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, यहां पर ये 6 जो है, ये देखिए ये इस साइड में गया हुआ है, आगे देखिए इस साइड में। इसका मतलब इस क्यूब को इस तरह से घुमाया गया है, देखिए किस तरफ, इस तरफ घुमाया गया है। देखिए इसका मतलब क्योंकि क्योंकि यहां पर 6 जो है यहां था, ये आगे चला गया है, ये देखिए आगे चला गया, 6 यहां था आगे चला गया। इसका मतलब पीछे पीछे क्या है, 5। तो देखिए 5 यहां पर था, पीछे पीछे 5 था, और 5 इधर आ गया और 6 इधर चला गया। देखिए लेकिन 3 वही की वही ऊपर है, देखिए ध्यान से 3 वही की वही ऊपर है। इसका मतलब इसको इस तरह से टर्न किया गया है। तो ये देखिए 2 कहां चला गया, 2 यहां चला गया, ये देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट। इसका मतलब यहां 2 को 5 और 5 को 2 फेस किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्लियर है, सी में हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। How many triangles are there in the following figure? देखिए स्टूडेंट्स यहां कोई रूल चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी त्रिभुज में लाइन लगाकर पार्टीशन नहीं किए गए, ना ही किसी चतुर्भुज में, आयत में, स्क्वायर में ये लाइन लगा के पार्टीशन नहीं किए गए। यहां सर्कल के अंदर एक बेस बनाकर तीन त्रिभुजों को आपस में क्रॉस करवाया गया है, और इसके साथ साथ एक लाइन से एक त्रिभुज का पार्टीशन भी किया गया है, जिससे त्रिभुजों की संख्या, ट्रेंगल की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती है। लेकिन ये बहुत ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए तीन ट्रेंगल तो सीधी ही है, ये देखिए तीन ट्रेंगल, ये देखिए आपको सीधा दिखाई दे रहा है। यहां हम अपनी जनरल मेंटल एबिलिटी से इसको फटाफट सोल्व कर जाएंगे जल्दी से जल्दी। तीन देखिए ये हमें प्राप्त होती है, उसके बाद में बड़ी बड़ी त्रिभुजें गिनते हैं, देखिए 1 2 और ये देखिए 3। तीन त्रिभुजें ये हैं देखिए, और उसके बाद में देखिए क्रॉस करवाया गया है 1 और 2, दो त्रिभुजें ये हैं देखिए, यानी बड़ी बड़ी त्रिभुजें 5 ये हो गई। उसके बाद में ये छोटे छोटे पार्टीशन जो क्रॉसिंग से हुए हैं, देखिए 1 2 और ये देखिए 3, ये देखिए 3, और उसके बाद में 4 और 5। लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं 4 5, देखिए, और इसको भी काउंट नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। इसको काउंट करेंगे छोटे पार्टीशन को 6, लेकिन इसके साथ में ये पार्टीशन भी है देखिए 7। अब उसके बाद में बचता है 8, ये देखिए 8 त्रिभुजें ये बनती हैं, 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें डी ऑप्शन पर 16 हमें अपना आंसर प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से
व्यक्त कर पाती है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज द रिलेशंस अमंग डेज वीक एंड ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ क्या मेंशन है, दिन, सप्ताह और वर्ष, और ये एक पीरियड जो है उनके नाम है, पीरियड जो दिए गए हैं उनके ये नाम हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि इनमें कैटेगरी क्या है। कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी वो जिसके अंदर बहुत कुछ समा जाता हो। जैसे हम कहते हैं फल, फल एक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि देखिए आम इसका एक पहलू है, केला इसका एक पहलू है, लेकिन केला आम नहीं हो सकता, आम केला नहीं हो सकता, इसलिए फल यहाँ पर एक कैटेगरी है। इसी तरह से हम कहते हैं सब्जी, तो सब्जी यहाँ कैटेगरी है, और सब्जी के अंदर बैंगन भी आ सकता है, आलू भी आ सकता है, आलू बैंगन नहीं हो सकता, बैंगन आलू नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ कैटेगरी क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, वर्ष, तो ईयर्स जो है यहाँ पर एक कैटेगरी है। और ईयर्स में क्या आता है, सप्ताह, देखिए वीक इसमें ईयर में आते हैं वीक, और वीक्स में क्या आता है, दिन, तो देखिए ये दिन। तो इस तरह से हमें हमारा क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन में जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने इस रीजनिंग टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से समझा, मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।